Hey guys, so welcome back to my vlog. Hopefully सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे. तो बेसिकली मैंने कुछ दिन पहले डाला था GoPro का अपना इंस्टाग्राम स्टोरी में, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर आपको बताना चाहिए GoPro के बारे में कि ये हम लोग वीडियो शूट करने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए या फिर ट्रैवल व्लॉगिंग करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो मैं आज पहले आप लोग को दिखाऊंगा GoPro अपना, मैं लेके आया हूँ साथ में अभी. एंड यस, मैं कहीं जा रहा था, मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से 10 दिन का ब्रेक हो गया, मैंने कोई वीडियो डाला नहीं आप लोग के लिए. एंड काफ़ी ब्रेक ले रहा हूँ मैं वीडियो डालने में, आई नो, लेकिन मैं कुछ अलग कामों में काफ़ी बिजी रहा हूँ हाल ही के दिनों में, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं निकाल पा रहा हूँ आप लोग के लिए. तो सो सॉरी गाइज. एंड यस, पहले मैं आप लोग को दिखाऊँगा GoPro के डब्बे के अंदर क्या क्या आता है एंड आपको उसके अलावा क्या लेना पड़ेगा, मतलब GoPro का जो डब्बा आएगा, GoPro का जो पूरा सेट आएगा, उसके अलावा आपको क्या लेना पड़ेगा सो दैट आपका लाइफ थोड़ा इजी हो जाए GoPro यूज़ करने में. तो यस, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखना. एंड यस, चल शुरू करते हैं. एक बहुत ही खूबसूरत डब्बा मिलेगा आपको GoPro का, जिसमें GoPro लिखा हुआ है यहाँ पे. एंड अब मैं आप लोग खोल के दिखाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर. चलो. बहुत ही सिंपल डब्बा है, बहुत ही ज़्यादा कुछ इतना है नहीं अंदर इसके. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका जो चार्जर है, मेन चार्जर कहाँ पे लगता है, सब कुछ दिखाऊंगा. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं GoPro जब लेते हैं ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा चार्जर लगता कहाँ पे है. एंड ये स्टैंड है, मोस्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या है. मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा वीडियो का कि ये कैसे यूज़ होता है. मोस्टली ये जो है स्टैंड का, ये आपका निकल जाता है ये वाला, वन सेकेंड, ये वाला आप देख सकते हो ये निकल रहा है. तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, आप कहीं पे भी चिपका सकते हो ये. तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड में कि आप क्या यूज़ कर सकते हो इसका. एंड ये एक स्क्रू टाइप का मिला है, ये भी बताऊंगा क्या यूज़ कर सकते हो. एंड एक छोटा सा स्क्रू मिला है इसके साथ, ये वाला, ठीक है. सब कुछ बताऊंगा क्या क्या यूज़ कर सकते हो. एंड अब आएगा GoPro Hero 9, जो कि बहुत ही खूबसूरत है. एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि जितने भी पुराने GoPro है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन उससे काफ़ी बेटर है ये वाला. एंड काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं. एंड आप अपने आप को शूट करते हुए देख भी सकते हो फ्रंट स्क्रीन में, यहाँ पे जो स्क्रीन है उसमें देख भी सकते हो. तो यस, काफ़ी अच्छा है ये, मतलब फॉर ब्लॉगिंग, फॉर ट्रैवल ब्लॉगिंग. इनफैक्ट आप जब छोटे छोटे शूट करते हो उसके लिए काफ़ी अच्छा है. एंड सबसे बेस्ट चीज़ पता है GoPro क्या होता है, मोस्टली आप जो शूट करते हो ना, आप जो कैमरा लेके निकलते हो तो काफ़ी लोग आपको देखते हैं यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है मीडिया के कोई बंदे हो. लेकिन GoPro इतना छोटा होता है ना कि लोग इतना नोटिस नहीं करते आपकी, आप कुछ लेके घूम रहे हो हाथ में. आप इनफैक्ट ट्राइपॉड भी लगा दो इसमें ना, तभी भी इतना पता नहीं चलेगा कि आपके हाथ में कुछ है, क्योंकि बहुत पतला सा होता है. और मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा ट्राइपॉड भी लेना चाहिए, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को. तो बेसिकली यस, ये है GoPro. एंड मैं अभी ऑन करता हूँ इसको. यस, ये ऑन हो गया है. अभी तक मैंने इसमें SD कार्ड डाला नहीं है, SD कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. तो SD कार्ड डालूंगा उसके बाद मैं भी आप लोग को, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में वीडियोस जो बनाऊंगा मैं इससे ही बनाऊंगा, तो आप लोग को दिखते रहेगा. तो ये पहले मैं बताता हूँ इसका जो बैटरी का है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. इनफैक्ट मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ था कि बैटरी का खुलता कैसे है. जब मैंने भी यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखा तो मुझे पता चला इसका बैटरी पहला बार तो यहाँ लगता है, ये वाला पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी लगता है. और ये खुलता कैसे मैं बताता हूँ. यस, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो पार्ट अब दिख रहा है, इसको आपको प्रेस करना है, सिर्फ प्रेस करना है, मतलब आगे खींचना है आपको, पुल करना है. एंड उसके बाद ये है बैटरी, ठीक है, बैटरी को आप निकाल सकते हो. एंड यहाँ पे ही बैटरी जहाँ लगता है, यहाँ पे ही SD कार्ड भी लगता है ये वाला पोर्शन में, ठीक है, बैटरी के जस्ट लेफ्ट साइड में. एंड उसके ऑपोजिट में, बैटरी के ऑपोजिट में लगता है ये चार्जिंग एरिया है, जहाँ पे आपको बैटरी लगा के ही चार्ज करना पड़ेगा अपना GoPro को. बैटरी को निकाल के करोगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगा, सिंपल से लॉजिक है, ठीक है. आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है. तो अब इसको बंद करते हैं. एंड अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ आप इसके साथ आप और क्या ले सकते हो, ठीक है. इसके साथ आपको ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल ट्राइपॉड प्लीज़ मत लेना, क्योंकि क्या होगा वो वेस्ट हो जाएगा.
इसका जो ट्राइपॉड आता है वो गोप्रो का अलग से ट्राइपॉड आता है। मैं प्राइस भी बताऊंगा दोनों का कितना प्राइस, इसका भी प्राइस बताऊंगा, उसका भी प्राइस बताऊंगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना। तो इसका जो ट्राइपॉड है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये है छोटा सा ट्राइपॉड है, यहाँ पे गोप्रो लिखा हुआ है। आप गोप्रो के ही वेबसाइट से या फिर अमेजन में गोप्रो का आपको जाके वहाँ से लेना है ट्राइपॉड। अभी आप सोचे होंगे ट्राइपॉड तो ऐसा होता नहीं है, मतलब कहाँ से इंसर्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो वो भी मैं बताऊँगा कैसे कर सकते हो आप। तो सबसे पहले ये बताता हूँ, ये छोटा नहीं है, बड़ा भी है, बड़ा भी होता है ये, ठीक है, आप बड़ा भी कर सकते हो ये ट्राइपॉड को, ठीक है, एंड आप इसको स्टैंड भी कर सकते हो। देखो स्टैंड हो गया, तो आप कहीं कहीं आप बैठ के शूट कर रहे हो तो आप लगा के शूट कर दो, या फिर स्लो मोशन ले रहे हो कोई चीज़ का तो आप आराम से इसको मूव कर सकते हो ऐसे करके। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है ये ट्राईपॉड। मतलब आपको अगर आप मूव करोगे, मोस्टली क्या होता है आप जब दूसरे ट्राईपॉड से मूव करोगे ऐसे करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब हिलने लगेगा आपका कैमरा, बट इसमें नहीं हिलेगा गोप्रो जब फिट होगा इसमें, और कैसे फिट होगा बताता हूँ मैं, तो काफ़ी स्टेबल रहेगा वो चीज़ जहाँ पे आप शूट कर रहे हो। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ गोप्रो आप कैसे इसमें फिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है गोप्रो, तो आपको गोप्रो के पीछे देखना है, ऐसा दो पार्ट मिलेगा, ये और ये, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये खोलना है दिस वन एंड ये वाला खोलना है। खोल तो आप लोग लोगे, वहाँ पे खोलने का ऑप्शन होगा, खोलने का आप हाथ घुसाओ खोलो, ठीक है, ठीक है। आपको ये दोनों खोलना है, उसके बाद खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो ये ट्राइपॉड में ये मिला है ना, ये जो पार्ट, इसमें इंसर्ट करना है। देखो ठीक है, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। सो यस, ये रेडी हो गया है, आप शूट कर सकते हो, लेकिन अभी भी शूट स्टार्ट नहीं करना है आप लोग, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो बेसिकली अभी गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस है इस गोप्रो का, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे फिट हुआ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे तो गिर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको बॉक्स के अंदर जो स्क्रू मैंने आप लोग को दिखाया था, वो स्क्रू आप लोग को यहाँ पे फिट करना है, बंद करना है, सो दैट ट्राइपॉड जो है और कैमरा को संभाल के रखे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये रेडी हो चुका है, आप लोग सिंपल सा बाहर निकल के शूट कर सकते हो। एंड बहुत ही लाइट है, ऐसा लग रहा है मैं पेंसिल पकड़ के लिख रहा हूँ कुछ, तो यस बहुत ही कन्वीनियंट भी आप लोग के लिए शूट करने के लिए। एंड इसका प्राइस जो है मार्केट में वो है अराउंड 38 से लेकर 40,000 तक, एंड ट्राइपॉड का जो है वो प्राइस है अराउंड 5,000 से लेकर 6,000 तक। तो कभी कभी फ्लक्चुएट करता है प्राइस उसका, तो अगर आप लकी रहे तो आपको कम प्राइस में मिल सकता है, लेकिन कम प्राइस में मिलेगा तो 33 से 34 से ऊपर का ही प्राइस रहेगा। तो यस, अगर आप शूट वूट करना चाहते हो, व्लॉगिंग करना चाहते हो, ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो लो। सो ऑफकोर्स ये मार्केट में अभी बेस्ट है व्लॉगर्स लोग के लिए, आप लोग सबको लेना चाहिए जो व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन खुद कमा के लो, मतलब ऐसा नहीं कि अपने मॉम डैड से मांगूँ, खुद कमा के लो। यस, और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना भूल गया हूँ, ये जो मैंने आप लोग बताया स्टार्टिंग में ये क्या है। तो बेसिकली ये जो है पार्ट, जैसे कि मैं अभी इसका ये खोल देता हूँ पहले, तो यस ये खुल गया, अब मैं निकालूंगा इसको, ठीक है। हाँ, सो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप सपोज गाड़ी में बैठ के शूट कर रहे हो, तो बहुत लोग आप देखते होंगे गाड़ी में शूट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, मतलब जो प्रोफेशनल्स जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब में, वो लोग मोस्टली क्या करते हैं, वो लोग गाड़ी में ही दो तीन गोप्रो लगा देते हैं एंड उसके बाद कैप्चर करते हैं। और वो लोग कैसे लगाते हैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो सिंपल तरीका है, जैसे आपने ट्राइपॉड में लगाया था, ये जो है ये आपको ये मिलेगा बॉक्स में गोप्रो का, तो इसमें आपको सिंपल जैसे आपने ट्राइपॉड में घुसाया था वैसे आपको घुसा देना है इसमें, वन सेकंड, थोड़ा सा मेहनत लगता है, यस, तो ये घुस गया। उसके बाद यस आपको स्क्रू लगा देना है यहाँ पे, एंड आप ऐसे रख के गाड़ी में, आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन आप नहीं चाहते हो कि आप ट्राइपॉड पकड़ो या कुछ डिस्ट्रैक्शन हो, क्योंकि रोड में आप चला रहे हो गाड़ी, तो आप इजीली प्लेस कर सकते हो यहाँ पे, और आप ये जो निकाल के चिपका सकते हो गाड़ी में एंड उसके बाद शूट कर सकते हो। तो यस, मैं इसके अंदर का जो जो फीचर्स है उसमें नहीं जाऊँगा, उस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बने हुए हैं, प्रोफेशनल लोगों ने वीडियोस बनाया, तो मुझे जाके फ़ायदा नहीं है, मैं बस आप लोगों को दिखाना चाह रहा था गोप्रो के बारे में और कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देगा मेरा लाइफ, अभी मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कैमरा है, तो यस पॉसिबल नहीं होता है हर जगह लेके जाना,
बट ये लेके जा सकता हूँ मैं फोटो के लिए, वीडियो के लिए, पॉकेट में डाल के लेके जाओ, क्या पता चले किसी को। तो यस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलता हूँ बहुत जल्द अगले व्लॉग में, एंड बहुत जल्द मिलूंगा, डोंट वरी। एंड यस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे एंड स्टे सेफ। एंड एज जो मैं बोलता हूँ, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का ख्याल रखो, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon.